हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी किचन। नंदनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स लेके आई हूँ आपके लिए सहजन बनाना ड्रम स्टिक्स, जो मेरे पास ये देख सकते हैं आप है। बहुत जगह इसे लोग सजना की सब्जी भी बोलते हैं और हमारे तरफ इसे सहजन बोलते हैं। ये सब गर्मियों में एक ही दो महीने के लिए मिलता है, उसके बाद ये नहीं मिलता है। ये समय इसका मार्च और अप्रैल फरवरी, यही इसी टाइम मिलता है, करीब डेढ़ दो महीना। उसके बाद फिर ये हमें पूरे साल जल्दी खाने को और देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं सहजन की सब्ज़ी। सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसमें पीसने के लिए मसाले, जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 20 से 25 कलियाँ लहसुन की, दो मिर्च। मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 3 से 4 बंचेस मैंने धनिया के लिए, डेढ़ प्याज लिया है मैंने, 1.5 यहाँ पे लिया है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम सभी एक मिक्सर के जार में डालकर इसका पीसकर पेस्ट बनाएंगे इसके मसाले के लिए। और तड़के में मैंने लिया है यहाँ पर 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 प्याज मैंने इसमें से कट किया था। इसका तड़का लगा के फिर इन मसालों को डाल के भूनेंगे। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं सहजन की सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताऊंगी कि इसको सबसे आसान तरीका छीलने का क्या होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और उसके बाद छीलते हैं। इसको पीसेस में कट करके फिर इस तरीके से छीलते हैं लोग, लेकिन मैं आज आपको बहुत सा आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप अपने स्टिक्स को आसानी से छील सकते हैं। ये आप पूरे स्टिक को लीजिए, इसको कट मत करिए, आप करिए ऊपर से कट और इस तरीके से चाकू की हेल्प से। देखिए मैंने नीचे तक एक ही बार में छील दिया है। इस तरीके से आप यहाँ लगाइए और इसको पकड़ के खींचिए। ये देखिए आपकी पूरी स्टिक्स एक ही बार में छिल गई। आपको उसे टुकड़ों में कट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। बस आप लगाइए यहाँ पर स्टार्टिंग में चाकू, इसको पकड़िए और धीरे धीरे खींचिए और ये पूरी नीचे तक उतर आएगी। इसी तरीके से आप पूरा स्टिक्स घुमाते हुए छील लीजिए। अगर आप इसे छीलेंगे नहीं, यूं ही बनाएंगे, तो इसके अंदर तक ये अच्छे से पकेगा नहीं और मसाले और नमक का टेस्ट जो है अंदर तक जाएगा नहीं। ये देखिए मैंने बताते बताते ही ये पूरी एक स्टिक छीली। अब इसको आप टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लीजिए, इस तरीके से कट करते जाइए और फिर इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसे देखिए छील कर रख लिया है पहले से ही। ये देखिए मैंने इसे पहले स्टार्टिंग में ही छील कर इसे इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो अपने मसाले हैं सबसे पहले उन्हें पीस लेंगे। सबसे पहले आप मसाले को एक ग्राइंडर जार लीजिए, सारी चीज़ें उसमें डालिए और इसका पीस कर पेस्ट बना लीजिए। गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई गर्म होने के लिए, तब तक मैंने मसाला अपना पीस कर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल 2 बड़े चम्मच के करीब। मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, लेकिन आप जिस तरीके से सब्ज़ी आप ज़्यादा तेल में या कम तेल में पकाते हो आप उतना डाल सकते हैं, जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, सब्ज़ी रेडी हो जाए। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाले हैं। तेल गर्म हो जाने पर इसमें तड़का लगाना है। तेल गर्म हो जाने पर मैंने डाला है इसमें जीरा 1 छोटा चम्मच और 2 तेज पत्ता और अपना ये 1/2 कटा हुआ प्याज। इससे तड़का लगा देंगे। हल्का सा प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर फिर हम अपने डालेंगे ये मसाले जो हमने पीस कर रेडी रखे हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपने मसालों को। थोड़ा पानी मैंने जार में डाला है ताकि सारे मसाले मेरे अच्छे से घुलकर निकल जाए और अब इन्हें भूनना है हमें अच्छे से। मसाले हमारे भुन रहे हैं, अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच लिया है, आप सब्जियों के अनुसार नमक डालें और इसे ढक कर चलाते हुए करीब 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, जब तक हमारे मसाले अच्छे से भुन न जाए और ऑयल किनारे से छोड़ने ना लगे। इसे ढक कर चलाते हुए बीच में 2-3 बार आप भून लें। अभी मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ये देखिए पास से दिखाते हैं, तेल जो है हमारा मसालों को छोड़ रहा है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे अपनी ड्रम स्टिक्स जो है सहजन, इसको इसमें डालकर अच्छे से करिए मिक्स। सहजन
सब्जी और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से और ढक दें ताकि मसाले और जो सब्जियां हैं आपस में मिक्स हो जाए, अच्छे से उसका मसाले भिन जाए हमारी सब्जियों में। मैंने मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 बार चलाते हुए भूना है। आप चाहे तो उसे हाई फ्लेम पे भी भून सकते हैं, बस आपकी मसाले जलने नहीं चाहिए, आप उसे बीच बीच में चलाते रहें। और फिर सब्जियां डालने के बाद 2 मिनट इसको 1-2 बार बीच में चलाकर ढक लें ताकि ये सब्जियां भी हल्की सी पक जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार इसको चला लेंगे। मसाले तो हमारे अच्छे से भून चुके हैं पर सब्जी अभी भी कच्ची है हमारी, तो अब इसको पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है। सब्जी में ज़रूरत के अनुसार आप इसमें पानी डालिए। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसे एक बार चलाकर इसे ढककर हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मेरी जो ये सब्जी है, ये सहजन है, अच्छे से पक जाए। और ये देखिए अभी बहुत ही हार्ड है, जब ये अच्छे से पक जाएंगी तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने लायक हो जाएंगी। तो चलिए इन्हें ढक के मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे पानी डालने पे। अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं और मैंने सब्जियों को हाई से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 2 से 3 बार ढककर पकाया है और लगभग हमारा पानी जो है सूख चुका है और हमारा यहाँ पे मसाला जो है गाढ़ा होने लगा है और हमारे सब्जियाँ भी अच्छे से पक चुकी हैं। मैं एक आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट जा रही है। अभी ये गर्म है, मैं आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाऊंगी। अब हल्का सा बस मैं इसे और सूखा कर लूँगी हाई फ्लेम पे ही, बस 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी ढक के ताकि जो अच्छे से इसका ग्रेवी है, पानी है, मसाला अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए और ये सूखी हो जाए। फिर प्लेट में निकाल कर सब्जी मेरी अच्छे से भुन चुकी है, पक चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे निकालेंगे एक प्लेट में। गैस को मैंने बंद किया, अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखा दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नंदिनी किचन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को प्लेट में निकाल ली है जो कि बहुत अच्छे से हमारा पक के रेडी हो गया। अब आप इसे गरम गरम दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, जैसे आपको खाना पसंद हो आप वैसे खाएं। बहुत लोग तो इसे जानते भी नहीं है कि ये बनाते हैं और खाते हैं। लोग पूछते हैं कि ये बनती कैसे है और इसे खाते कैसे हैं। मैं आज आपको बता भी देती हूँ कि इसको ये पूरा ऐसे खाया नहीं जाता, इसको आप दोनों तरफ से चूस कर और इसका जो रेशा है उसे फेंक देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से चूस लिया है और जो इसका रेशा बचता है उसे हम फेंक देते हैं, इसको पूरा नहीं खाते। इसी तरीके से हमें पूरा खाना होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बड़े बुजुर्ग हमारे गांव में कहते हैं कि इसको एक बार जो भी खाता है, गर्मियों के समय में ये एकाकी महीने 2 महीने के लिए मिलता है, अगर इसको खा लेते हैं एक बार तो हमें माता जी नहीं आती हैं, जो चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसे, वो माता जी नहीं होती हैं। ये हमारी दादी लोग, नानी लोग और गांव में बड़े बुजुर्ग हर कोई ये कहता है। तो आप फ्रेंड्स प्लीज़ इसे एक बार बनाएं, ट्राई करें, खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।